अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं लंच में बच्चों को सिर्फ चाय पराठा ही दूंगी क्योंकि सबकी तबीयतें सही नहीं है। और शाम में मैं सैंडविचेस रेडी करूँगी। अभी मैं जुम्मे की तैयारी करूँगी। चलें जुम्मे की तैयारी करते हैं और ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बड़ा चमचा भर के जो है ना, खाने का चमचा जो होता है वो मैंने नमक ले लिया है, ये ठीक है, अपनी फैमिली के हिसाब से चिकन लिए मैंने। और एक बड़ा चमचा मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, चलें। और इसमें थोड़ी सी क्रीम है वो भी मैं डालूंगी और इसी के साथ इसको ड्राई कर दूंगी चिकन को। चलें जी, क्रीम भी हमारी डल चुकी है, ठीक है। ये आप खाने का एक से डेढ़ चमचा ले लें, ठीक है, और इसको ड्राई कर दिएगा बिल्कुल इसी में मिक्स करके। एक चमचा जो है ना, इसमें मैं लाल मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और चलें इसको ड्राई करते हैं और फिर ये चिकन का जो पानी है इसी के अंदर ये पक जाएगी, ठीक है जी। और ज़बरदस्त सी लग रही है। नॉर्मली जो हमारे अंडे बनते हैं हम लोग घरों में जो बनाते हैं, ये अंडा है, हरा धनिया है, लाल मिर्चें हैं और मैंने थोड़ा नमक ले लिया है थोड़ा। अब इसको बीट कर रही हूँ और अब इसको मैं तैयार कर दूँगी अच्छे से। गाइस, इसमें मैं अंडा ऐड कर रही हूँ, ये देखें, ये अंडा मेरा रेडी हो चुका है और देखें काफ़ी फुला फुला मोटा मोटा ही रखा है मैंने थोड़ा। ये देखें कितना पिंक पिंक सा अच्छा सा लग रहा है। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। देखें गाइस, मैंने दूसरी ग्रिल लगा ली है और चलें अब इस पे भी स्लाइस जो है ना सी। गाइस, ये मैंने अंडे वाली जो मायनीज थी वो ही यूज़ की है और यही हम सैंडविचेस के साथ खाएंगे। और इसके साथ साथ मैं अब इसमें थोड़ा सा केचप भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, फाइनली इतने ज़बरदस्त और इतने हेल्दी से हैं ये। ये देखें जी, इसमें मैं जो हूँ अब ये जो मायनीज थी मेरी एग वाली, ये इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, ठीक है जी। ये और छुरी की मदद से ये देखें जी, मैंने इस पे हाफ करके पत्ता रख दिया है। ये देखें इस तरह करके रखा है क्योंकि ये जो है ना काफ़ी बड़ा था और स्लाइस थोड़ा छोटे थे, इतने छोटे नहीं थे, नॉर्मल मीडियम साइज़ की जो ब्रेड। चलें सेकंड वाला भी मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें भी इसी तरह चिकन इसमें ऐड कर दिए। देखें कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में चिकन है और ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखें इसी तरह इस पर चीज़ भी लगा दूँ। मैंने चिकन भी इसके अंदर डाल दी है और ऊपर से चीज़ भी, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एग, ठीक है। एग के साथ साथ मैंने एक खीरा भी ले लिया है और ये बहुत हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त हैंगे सैंडविचेस। चलें मैं इसको बंद कर, चलें अब मैं वो चिकन जो हमने बनाई थी, हमने जो रेडी की थी वो हम इसमें फिलअप करेंगे। गाइस देखें, फाइनली जो है ना मेरे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत मज़े के। और हम खाएंगे इसको और बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, शोर मचा रहे हैं बहुत। और ये देखें ज़बरदस्त अहमद बाबा की शोर की आवाज़ आ रही होगी और कितने यमी और कितने हेल्दी हैं ये। आप लोग जो हैं चाय के साथ भी खा सकते हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं। और आप डिनर में अगर हल्का फुल्का खाना चाह रहे हो, जैसे आज हम डिनर ही कर रहे हैं ये, और हम हल्का फुल्का ही खाना चाह रहे हैं तो हम यही सैंडविचेस सारे ख़त्म करेंगे और फिनिश करेंगे। और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे हेल्दी सैंडविचेस और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, तो बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, लंच में बच्चों को दीजिएगा। और कभी इंसान का दिल चाहता है थोड़ा डिनर हल्का कर ले तो इस तरह से सैंडविच आप घर में बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगे। ऑयल बचा था हमारे पास उसी के अंदर ये हम बचा हुआ जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये भी एक ही चमचा है भरा हुआ, जो खाने का चमचा होता है उसको भी मैं फ्राई कर दूंगी
और मेरे पास कीमा है, इसका चिकन का कीमा है, ये भी अच्छा खासा है क्योंकि मैं अपने ज़्यादा चिकन के जो है ना सैंडविचेस रेडी कर रही हूँ। जिसको जितने सैंडविचेस रेडी करने हो उसी हिसाब से जो है सब चीज़ें क्वांटिटी लेगा, तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। और ये देखें, ये भी मैंने इसी तरह, ठीक है, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी, जो चिकन का कीमा है सारा, ये देखें, ये जी, ये देखें देखें जी, ये भी कीमा इसी तरह मैंने डाल दिया जैसे पहले वाली बोटियाँ डाली थी। ये कीमा है और वो बोटियाँ थी, अलग अलग सैंडविचेस रेडी हो रहे हैं। और एक चमचा इसमें भी मैंने मिर्चें भर के डाल दी हैं खाने के, एक चमचा, और एक भर के चमचा जो है नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि नमक तेज़ ना हो जाए तो इसलिए कम ही लेती हूँ मैं हमेशा। और ये देखिए, ये भुना हुआ धनिया और भुना हुआ जो ज़ीरा है मेरे पास, वो मैंने एक चमचे के बराबर जो है ले लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब कीमे में मिक्स कर दूंगी और कीमे को अच्छी तरह इसी के पानी से जो है ये कीमा ड्राई हो जाएगा। देखें जी, मायनीज़ है, ये एग की मायनीज़ है, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत यमी होती है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, सही है, और ये मैंने डाल दी है और इसी में मिक्स करूँगी। ज़बरदस्त सा लग रहा है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना फिलिंग होने वाली है हमारे सैंडविचेस की। जी गाइस, फाइनली ये मेरे सैंडविचेस रेडी होने के लिए तैयार हैं। और ये देखें, ये जो हमने मैरिनेट करके जो हमने चिकन रखी थी वो भी तैयार हुई हुई है। और चलें अब इसके अंदर मैं फिलअप करती हूँ। गाइस फाइनली ये देखें, मैंने रेडी कर लिया है और इसको फिल कर लिया, और चीज़ के छोटे छोटे से जो है इसमें स्लाइस भी डाल दिए हैं। और अब मैं ऊपर से इसको जो है ना ढक दूंगी। ये देखें जी, ये मैंने दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए, फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, एक पार्क है, बड़ा छोटा सा क्यूट सा, ये गुलशन में है। और हमें जो है कुछ ये ज़बरदस्त, ये देखें मुस्तैन जो है ना बच्चों को झुला रहे हैं। और राफे भाई की सिस्टर की शादी है तो उसके लिए मुझे सूट भी लेना था, तो मुझे कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, तो देखें इंशाल्लाह कहाँ जाऊँगी, कल वल जाऊंगी, छुट्टी है मुस्तैन की तो कल वहाँ पे देखेंगे हम कहीं पे, तारिक रोड वगैरह पे देखूंगी या फिर अच्छा सा कोई सूट लेना चाह रही हूँ। तो चले आए, यहाँ पे ना परिंदे भी हैं शायद, बहुत छोटा सा और क्यूट सा पार्क है ये। बहुत मज़ा आ रहा है मोहम्मद अली को यहाँ पे, और खुली जगहों पे ना इनको बहुत मज़ा आता है कि बस घूमने को कुछ मिल जाए, है ना। ये देखो मम्मा भी बैठ गई, हाँ इतना साफ सुथरा तो नहीं है पर सही है बच्चों के लिए। हाँ उसे, हाँ कब सही है, कबूतर रखे हैं ये शाम के टाइम बड़े अच्छे लगे हैं। और इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं, खाली सुनसान पड़ा हुआ है, मुर्गी है। और इसमें क्या है, इसमें तोते हैं भाई, तोते हैं छोटे छोटे वाले, यहाँ अच्छे दिखेंगे, फिशर हैं ये। अच्छा इसमें क्या है, इसमें मुर्गी रखी,
ये तो मुझे ऐसा लग रहा है घर से लेकर आ गए तो बड़े मुर्गे। और इसमें क्या, ये सब कबूतरों घर लग रहा है मुझे तो, घर की छतें नहीं होती। बस ये देखें सामने जो है ना पार्क ख़त्म हो गया। ये मोहम्मद अली को तो देखें वही नींद में जो है ना बिल्कुल टन टन से हो रहे हैं। और अली काकलियो काकलियो बेटा, अली गुच्चो आलो है, बिल्कुल नींद आ जाएगी इनको तो मुझे। चलें देखते हैं जी डॉट पे भी देखते हैं कि यहाँ पे कोई पसंद आता है मुझे नहीं। ये पिंक वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल चेंज है, डिफरेंट है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। और एक वो पिंक वाला अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला पिंक वाला, ये वाला पिंक। जी फाइनली रात हो चुकी है और ये देखिए मैंने प्यारा सा जो है ना पाम लिया था आज, और बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है और मुस्तैन 1:30 बजे रात को जो है ना मैच देख रहे हैं। और मैच इनका ख़त्म हो चुका है ना, उसका मैच T20 होगी, बहुत ज़्यादा गोल मारा है नेदरलैंड ने। अच्छा जी, और हमारी गरम गरम सी चाय भी रेडी है और मुस्तैन की फरमाइश थी कि वो स्लाइस भी उनके लिए रेडी हो जाएं, तो ये देखिए मैंने स्लाइस भी सेक दी। और अहमद बाबा जाग रहे हैं और तंग कर रहे हैं, अली जो है ना सो चुके हैं, मोहम्मद अली और सब बच्चे सो चुके हैं। और आज मैंने डिनर में सैंडविच ही बनाए थे क्योंकि हल्का हल्का लाइट लाइट सा खाने का दिल चाह रहा था। सबकी तबीयत ख़राब थी, मुस्तैन की भी सही नहीं थी, मेरी भी, और बच्चों की भी तो बस ऐसी ही चल रही थी। तो मैंने आज सैंडविच बनाए थे, शाम में ही रेडी कर लिए थे। और लंच में मैंने जो है बच्चों को चाय पराठा ही बना के दे दिया था, वो खा लिया था हम लोगों ने। व्लॉग यहीं था, यही था मेरी बात कहने की, मुझे ये जो दी वो रह गई है कि बेगम हो तो ऐसी हो वरना तो वही ना भाई। अच्छा, आज का व्लॉग यहीं तक था। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूला करें, शेयरिंग लाइक करना मत भूला करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नए एक व्लॉग के साथ कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।